हे गाइस, मैं सुम साउथ। यार आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जीमेल आईडी को डिलीट कैसे करें। जीमेल आईडी को आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा मोबाइल फ़ोन से कैसे अपनी जीमेल आईडी को डिलीट करें। जीमेल आईडी, ईमेल आईडी, गूगल अकाउंट, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, @gmail.com लगा होता है सभी में। तो यही चीज़ होती है जीमेल आईडी। तो सिंपली इसको हम बना तो लेते हैं, फिर यार डिलीट इसको कैसे करें। तो आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हमेशा के लिए इसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारी जीमेल आईडी हो जाती हैं, क्योंकि जीमेल आईडी का कोई पैसा तो लगता नहीं है, और एक ही फ़ोन नंबर से या बिना फ़ोन नंबर के कैसे जीमेल आईडी बनाएं, या नंबर डाल के भी। उसको अगर आपको जानना है कि कैसे जीमेल आईडी बनाते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके आप देख सकते हैं कैसे जीमेल आईडी बनाएं, वो भी बिना फ़ोन नंबर डाले चाहे बनाएं, चाहे नंबर डाल के बनाएं। तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख सकते हैं। अब सिंपली चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर और आपको बताता हूँ कि जीमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। तो सिंपली आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 3 डॉट दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर आप जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं न्यू इग्नोटो टैब है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं न्यू इग्नोटो मोड हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको जीमेल टाइप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जीमेल लॉगिन आ चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपली जीमेल लॉगिन वाले पे क्लिक कर देंगे। ये जीमेल लॉगिन हमारा सर्च हो चुका है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर किसी में भी आपको क्लिक नहीं करना। ये अगला यहाँ पे आता है साइन इन गूगल अकाउंट, accounts.google.com, तो इसी वाले पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी जीमेल आईडी डिलीट करनी है उसको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले डाल दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने जीमेल आईडी डाल दी, @gmail.com ज़रूरी नहीं यहाँ पे डालना, वो अपने आप ले लेता है। तो सिंपली जो जीमेल आईडी है वो सिर्फ डाल दीजिए बस। और नया अकाउंट क्रिएट करना तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके। तो सिंपली यहाँ पे हमने जीमेल आईडी अपनी डाल दी है, इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड पड़ा हुआ है इस जीमेल आईडी में। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद फिर से आइए यहीं पे और वो नया पासवर्ड यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। हमने यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर नहीं डाला था, ना ही कोई जीमेल आईडी रिकवरी के लिए डाला था। अगर आपको भी बिना फ़ोन नंबर डाले जीमेल अकाउंट बनाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा, वो वीडियो देखिए, सेम वैसे करिए और फ़ोन नंबर नहीं डालिएगा, ऐसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर नो फ़ोन नंबर और नो रिकवरी ईमेल, तो हम यहाँ पर सिंपली कन्फर्म कर देंगे, कोई बात नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लोगों पे क्लिक करके, ये देख सकते हैं शुभम चैनल @gmail.com है चैनल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम फिर से हटा देते हैं। अब इसको आपको डिलीट कैसे करना है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी कोई भी डिटेल, नेम अपना, अपनी डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड या जो भी आप चेंज करना, जैसे देख सकते हैं हमने फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया है, तो हम यहाँ से अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमको इस अकाउंट को डिलीट करना, सिंपली वो बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला यहाँ पे आपको डाटा एंड ये पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है, यहाँ से आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और आपको स्क्रॉल करते हुए चले जाना नीचे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले वाले में आप क्लिक करके आपका डाटा जो भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसको जीमेल में आपके, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे मैक आ प्लान फॉर योर अकाउंट, तो इसको कुछ नहीं करना है। थर्ड है यहाँ पे डिलीट आ सर्विस और योर अकाउंट, तो सिंपली हम थर्ड वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि आप डिलीट आ गूगल सर्विस, सिर्फ सर्विसेज कुछ डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब के लिए या कुछ और चीज़ें हो गई हैं जीमेल आपकी कुछ भी अंदर। और दूसरा है डिलीट योर गूगल अकाउंट। थर्ड है अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट योर डाटा करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे डिलीट करना है अपना अकाउंट परमानेंटली, तो इस पर करेंगे सेकेंड वाले पे क्लिक। यहाँ पे सिंपली आपको वही पासवर्ड डाल देना है जो इस जीमेल अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपका जीमेल यहाँ पे आईडी दिख रहा है, इसको सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो कन्वर्जेशन विल बी डिलीटेड, मेरे में जो अपने आप आ जाते हैं वही वाला यहाँ पे मेल आया हुआ है, तो वही यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं कि हाँ जो भी चीज़ें इसमें हैं सारी चीज़ों को हम डिलीट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत होगी तो वो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा है यहाँ पे देख सकते हैं यस आई वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस गूगल अकाउंट एंड इट्स ऑल डाटा, यानी कि इसका जितना भी डाटा सब डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम लगता है, अगर आप जैसे 2-3 दिन में चाहते हैं कि भाई नहीं हमको अकाउंट रिकवर करना है, डिलीट नहीं करना है, तो दोबारा जाके अगर लॉगिन कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। मैं अभी आगे आपको करके दिखाता हूँ, तो सिंपली इस पर टिक करता हूँ, डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड। इफ़ यू एक्सीडेंटली डिलीटेड योर गूगल अकाउंट, यू हैव अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई टू रिकवर इट। आपके पास कुछ टाइम होता है, जैसे कि आपसे गलती से हो गए, गलती से वैसे नहीं हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई नहीं हमको ये अकाउंट डिलीट नहीं करना, तो आप जाके फिर से वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे अकाउंट सपोर्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली वही जीमेल अकाउंट डाल के दिखाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया है और इसको रिकवर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टू अटेम्प्ट टू रिस्टोर दिस अकाउंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके आप रिस्टोर कर सकते हैं। कुछ टाइम होता है, अगर आप ज़्यादा दिनों के बाद करते हैं तो भाई फिर रिकवर नहीं होगा, आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब ये जहाँ जहाँ लॉगिन है वहाँ वहाँ साइन आउट हो गया होगा और कुछ ही दिन में परमानेंटली अपने आप ये डिलीट हो जाएगा। वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दी है, तब भी कोई शंका सुझाव हो तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो यार एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें।